एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, यजुर्वेद चतुर्थो अध्याय चौथा अध्याय ऋषि प्रजापति ही देवता अबोसध्यो छंद विराड ब्रह्मे जगति स्वर निषाद मंत्र संख्या एक ओम एदम गन्म देवयजनम पृथिव्य यत्र देवासो अजु शंत विश्वे ऋक्सामाभ्याम ग्वंग संतरंतो यजुर्भि रायस्पोषेण समीसा मदेम इम आपह शमूमे संतो देवी रोषधे त्रायस्व स्वधिते मैनम हिंसीह। प्रजाओं का पालन करने वाला ईश्वर का साधक प्रजा का रक्षक बनता है और यह प्रार्थना करता है, हम पृथ्वी के इस देवताओं के यज्ञ करने के भाव को सर्वथा ग्रहण करें। परमेश्वर ने पृथ्वी को देवयजनी बनाया है, हम इस पृथ्वी पर आकर यज्ञात्मक कर्मों में लगे रहें, जिससे अपने देवत्व को न खो बैठें। यह पृथ्वी वह स्थान है जहां की सब देववृत्ति के लोग परस्पर प्रीतिपूर्वक अपने कर्तव्यों का सेवन करते हैं, बड़े प्रेम से परम ब्रह्म की उपासना करते हैं। वे ऋचाओं के द्वारा, ऋग और साम के द्वारा विद्या और श्रद्धा से तैरते हुए इस भवसागर को पार करते हैं, अपने जीवन को सफल बनाते हैं। यजुर्वेद में वर्णित यज्ञ उत्तम कर्मों से ही धन के पोषण से हम सम्यक आनंद का अनुभव करें। उत्तम मार्ग से धन कमाने का निश्चय होते ही संसार सुंदर बन जाता है। हम धनी बनकर भी अन्न से ही आनंदित हों, हम स्वाद को प्रधानता ना दें और यह जल मेरे लिए शांति देने वाले हों, ये तो दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। अर्थात मेरा खान पान सादा हो। सच बात यह है कि उत्तम जीवन का आधार खान पीन की सादगी ही है। हे दोषों को दूर करने की शक्ति से परिपूर्ण औषधि, तू मेरी रक्षा कर, मुझे हिंसित मत कर, नष्ट मत कर। यह औषधि वनस्पतियों का सेवन हमारा रक्षण करे। केवल शरीर से नहीं, यह मन और मस्तिष्क को भी स्वस्थ बनावे। पृथ्वी को हम यज्ञ भूमि समझें, देवता बनकर अपना कर्तव्य प्रेम से पूर्ण करें। हमारे सब कार्य ज्ञान और श्रद्धा से किए जाएं। श्रेष्ठतम कर्मों से ही हम धन कमाएं। सादा खाना और पानी पीना ही हमारे आनंद का कारण बने। औषधियां धारण शक्ति से युक्त हों, इनसे हम हिंसित ना हों। मंत्र संख्या दो
आपो अस्मान मातरः शुन्धयन्तु ग्रतेननो ग्रतप्वः पुनन्तु विश्वमहिरिप्रम् प्रवहन्ति देवीरो दिदाभ्यः शुचिरापूत एमि दीक्षा तपसोस्त नूरसि ताम त्वा शिवा गुंग शगमाम परिदधे भद्रम वरणम पुष्यन। जल के महत्व को व्यक्त करते हुए यह साधक प्रजापति से, उस परम ब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे मात्र अस्थान में प्राप्त हुए जल, माता के समान हित करने वाले जल, हमारी प्राण शक्ति का निर्माण करने वाले जल, हमें शुद्ध कर, मलिनता को दूर करने वाले, पवित्र करने वाले जल, हमें अपनी शक्ति से मल का शरण कर, पवित्र कर, प्रातःकाल में पिया हुआ जल मल का शरण करता है। इसी से आयुर्वेद में प्रातः जलपान का अत्यधिक महत्व है। निश्चय से ये दिव्य गुण वाला जल संपूर्ण मल को बहाकर ले जाता है। इन जलों के द्वारा बाहर से पवित्र हुआ और अंदर से पवित्र हुआ मैं ऊपर उठता हूँ। अंदर और बाहर से पवित्र होकर मैं कह सकता हूँ कि व्रत संग्रहण व तप का शरीर तू है, अर्थात यह शरीर व्रत और तप के लिए मिला है। हमारा जीवन व्रतमय हो, हम व्रती और तपस्वी हों। तप हमें आध्यात्म दृष्टि से उच्च भूमि में ले जाकर शांति प्राप्त कराता है। जिस शांति की चरम सीमा निर्वाण और मोक्ष है, मेरे चेहरे पर सदा मुस्कुराहट बनी रहे, मेरे भीतर मन में प्रसाद गुण शांति बनी रहे। मंत्र संख्या 3, महिनाम पयो असि वर्चोदा असि वर्चो में देही व्रत्यस्य असि कनीन कश्च शुरदा असि चक्षुर में। यहाँ पर बादल में स्थित जल का उल्लेख करते हैं। यह मेघ क्या है? इस पृथ्वी का यह जल है। पृथ्वी स्थित जल ही सूर्य किरणों व अन्य भौतिक कारणों से वाष्पीभूत होकर ऊपर चला गया है। अत्यंत शुद्ध, अत्यंत स्वास्थ्यप्रद, इसे देवताओं के मध्य के रूप में कहा गया है। यह जल क्या है? यह तो गौओं का दूध है। इसमें इतनी शक्ति है जितनी गाय के दूध में। यह वर्चस्व को देने वाला है। हे मेघ जल, तू मुझे वर्चस्व दे। वर्चस्व वह शक्ति है जो रोगों का मुकाबला करती है। रोग कृमियों के नाश के द्वारा यह मनुष्य को स्वस्थ बनाती है। व्रत शब्द आवरण का वाचक है। मेघ भी व्रत है, क्योंकि सूर्य पर एक आवरण के रूप में यह आ जाता है। काम भी व्रत है, क्योंकि वह ज्ञान को ढक लेता है।
इसी प्रकार आंख पर पर्दे के रूप में आ जाने वाला मोतिया बिंद भी व्रत कहलाता है। ये मेघ जल इस आंख पर अंधेरे के रूप में आ जाने वाले मोतिया बिंद को फिर से चमका देने वाला है। मेघ के जल को पीने से मोतियाबिंद होने की संभावना नहीं रहती। हे मेघ, तू मोतियाबिंद को हटाकर मुझे फिर से दृष्टि शक्ति प्रदान कर। मंत्र संख्या 4, चित पतिर्मा पुनातु वाक पतिर्मा पुनातु देवो मा सविता पुनात वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्। मन को पवित्र बनाने के लिए परमात्मा से यह साधक प्रार्थना करता है। हे ज्ञान के स्वामी परम ब्रह्म, मुझे पवित्र कर। परमेश्वर, इस वेदवाणी के रूप से ही हमें ज्ञान प्रदान करता है। वेदवाणी का नियमित स्वाध्याय हमारे जीवन को पवित्र कर देता है। मुझे वह प्रेरक देव, वह परमात्मा छिद्र रहित पवित्रीकरण के साधन भूत वायु से तथा सूर्य किरणों से पवित्र करे। स्वच्छ वायु और सूर्य किरणें शरीर व मानस के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। वह परमेश्वर पवित्रीकरण के साधन भूत सब पदार्थों का स्वामी है। चाहे वह ज्ञान है, चाहे वायु, चाहे सूर्य किरणें, इन सभी का स्वामी परमेश्वर है। हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मा, हे परम ब्रह्म, तेरे पवित्रीकरण साधनों से पवित्र हुआ मैं जिस कामना को करूं, शुभ कामना को करूं, तू मुझे पवित्र बना। मैं ज्ञान प्राप्त करूं, मैं वेदवाणी का स्वाध्याय करूं, मैं स्वच्छ वायु और सूर्य किरणों के संपर्क में रहूं, पवित्र करण के सब साधनों से मैं जो कामना करूं, मेरी वह कामना अवश्य पूर्ण होवे। मंत्र संख्या 5, आवो देवास ईमहे वामम प्रयत्त यद्वरे आवो देवास आशिषो यज्ञयासो हवामहे। हमारी कामनाएं श्रेष्ठ हों। हे देवों, हम तुम्हारी कामना करते हैं। हमारी कामना यह है कि हमें देवों की प्राप्ति हो, गुणों की प्राप्ति हो। हमारा यह शरीर देवों का निवास स्थान बने। इस चलते हुए जीवन यज्ञ में हम सौंदर्य को ही चाहते हैं। हमारा मन सुंदर और दिव्य गुणों का निवास बने। हे देवों, हम तुमसे पवित्र श्रेष्ठ इच्छाओं की प्रार्थना करते हैं। श्रेष्ठ इच्छाएं वे ही हैं जिनमें मनुष्य बड़ों का आदर करता है, सबके साथ मिलकर चलता है और लोक हित के लिए दान देता है। जब हम अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं, तब हमारी ये इच्छाएं अवश्य ही
पूर्ण होती हैं। हम देवताओं के निवास स्थान बने। हम अपने इस जीवन को अध्वर अहिंसात्मक यज्ञ का रूप दें और इस जीवन यज्ञ में सुंदर ही सुंदर गुणों को धारण करने वाले बने। हम उत्तम इच्छाओं वाले बने। मंत्र संख्या 6, स्वाहा यज्ञम मनसः स्वाहोरो रंतरिक्षात स्वाहा ध्यावा पृथ्वीभ्याम ग्वंग स्वाहा वातादारभे। मैं अपने स्वार्थ का त्याग करता हूँ, इस स्वार्थ रूपी मैल को त्यागता हूँ। हम केवल अकेले अकेले ना खाएं। उत्तम औषध द्रव्यों की जिसमें आहुति दी जाती है, ऐसे यज्ञ को इस विशाल अंतरिक्ष के हेतु मैं प्रारंभ करता हूँ। यज्ञ में डाले गए औषध द्रव्य और घृत छोटे छोटे कणों में विभक्त होकर सारे अंतरिक्ष में फैल जाते हैं और यह सारा अंतरिक्ष बड़ा पवित्र और सुगंधमय हो जाता है। अंतरिक्ष में फैले हुए औषध द्रव्यों व धूल के कणों को श्वास वायु के साथ सभी प्राणी अपने अंदर लेते हैं और सभी को निरोगता और शक्ति का लाभ होता है। संपूर्ण ध्यावा पृथ्वी का इस यज्ञ से हित होता है। इस उत्तम आहुतियों वाले यज्ञ को वायु के उद्देश्य से आरंभ करता हूँ। इस यज्ञ से मेरा उद्देश्य है कि सारी वायु शुद्ध हो जाए। इस यज्ञ के करने में मुझ प्रजापति का उद्देश्य ये है कि मेरा मन स्वार्थ से ऊपर उठे। सारा अंतरिक्ष औषधि युक्त गुणों से घृत कणों से भर जाए। सारे प्राणियों का हित हो, वायु शुद्ध हो, रोगों का भय नष्ट हो जाए। मंत्र संख्या 7, आकुत्यै प्रयोजे अग्नये स्वाहा मेधायः मनसे अग्नये स्वाहा दीक्षायै तपसे अग्नये स्वाहा सरस्वत्यै पूषणे अग्ने स्वाहा। आपो देवीर बृहतेर विश्व शंभुवो ध्यावा पृथ्वी उरो अंतरिक्ष बृहस्पतये हविषा विधेम स्वाहा। संकल्प आत्मा संकल्पों को क्रिया रूप में परिणित करने वाले प्रगतिशील जीव के लिए हम प्रशंसात्मक शब्द कहते हैं। प्रशंसनीय जीवन उसी का है जिसका जीवन संकल्पमय है। सब उत्तम कर्म संकल्पों का ही परिणाम है। धारणावती बुद्धि के पुंजभूत मननशील प्रगतिशील जीव के लिए हम प्रशंसात्मक शब्द कहते हैं और इस धारणावती बुद्धि के विकास के लिए मननशील बनता है। मनन मेधा का जनक है। व्रत संग्रह के लिए और तप के लिए दीक्षा और तप के द्वारा आगे बढ़ने वाले के लिए प्रशंसा के शब्द कहे जाते हैं। जो व्यक्ति उन्नत होना चाहता है
उसे दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। व्रत जीवन ही जीवन है। व्रत पूर्ति के लिए तप की आवश्यकता है। तप की न्यूनता हमारे व्रतों के भंग का कारण बनती है। ज्ञान के अधिदेवता के लिए और साथ ही पोषण के देवता के लिए, और इस प्रकार ज्ञान और पोषण के देवताओं का आराधन करके आगे बढ़ने के लिए प्रशंसा के शब्द प्रस्तुत होते हैं। देवताओं से अभिप्राय गुणों को धारण करना है। देवता कोई व्यक्ति नहीं, हमारे भीतर गुणों का आना ही, उन गुणों को अपने में स्थित करना ही उन देवताओं का स्वागत, सत्कार और पूजन वेद की भाषा में कहा जाता है। यह जीव जो अग्नि का स्वरूप है कहता है, ये जल हमारी वृद्धि के कारण भूत हैं, सब रोगों को शांत करने वाले हैं, और इन जलों के अतिरिक्त द्युलोक और पृथ्वीलोक, विशाल अंतरिक्ष लोक के अधिष्ठाता बृहस्पति नाम से प्रसिद्ध परमात्मा के लिए मैं हवि के द्वारा, आहुति के द्वारा उस परम ब्रह्म का पूजन करता हूं। यह अत्यंत सुंदर वेदवाणी है। सब लोकों की पवित्रता के लिए अग्निहोत्र आदि यज्ञों में विविध हविर द्रव्यों का प्रक्षेप होता है। उस परम ब्रह्म की पूजा हवि से ही होती है। दान पूर्वक अदन, यही प्रभु का आदेश है। इस आदेश का पालन ही उस परम ब्रह्म का पूजन है। सबके हित के लिए इस प्रकार परम ब्रह्म की आराधना करने वाला व्यक्ति ही सच्चा प्रजापति है, जो इस मंत्र का ऋषि है। उन्नति के लिए हम संकल्प आदि साधनों से साधना करें। हवि द्वारा सब लोकों को पवित्र करें और उस आदि पुरुष परमेश्वर के प्रिय बने, उसके मित्र बने। मंत्र संख्या 8, ऋषि आत्रेय, देवता ईश्वर, छंद आशर अनुष्टुप, स्वर गंधार, विश्वदेवस्य नेतुर्मर्तो वुरीत सख्यम विश्वराय इशुद्ध्यति द्युम्नम व्रणीत पुष्यसि स्वाहा। प्रजापति वही बन सकता है जो संसार के प्रलोभनों में न फंसकर उस परम ब्रह्म का वरण करता है, अपने आप को उस परमात्मा के लिए अर्पित कर देता है। उस पुरुष ब्रह्म का वरण करने वाला आत्रेय कहा जाता है। यह काम क्रोध लोभ तीनों से रहित हो जाता है। यह आत्रेय उस परम ब्रह्म से कहता है, संसार में प्रविष्ट प्रत्येक मनुष्य संसार चक्र के संचालक दिव्य गुणों के पुंज, हम उस परम ब्रह्म की मित्रता को प्राप्त करें। परमेश्वर की यह मित्रता हमें प्रलोभन से भरे संसार में फंसने से बचाती है। प्रभु की मित्रता ही हमें वह शक्ति
प्रदान करती है, जो हमें काम क्रोध लोभ तीनों का संहार करने में समर्थ करती है। परमेश्वर की मित्रता हमें आत्रेय बनाती है, इन तीन अवगुणों से पार करती है। संसार में कोई धन को मांगता है, लोग धन की उपासना करते हैं, परमात्मा की नहीं। इस स्वर्णमय संसार के पदार्थों से सत्य स्वरूप परमात्मा का रूप ढका हुआ है। हिरण्यम येन पात्रेण सत्य स्यापि हितं मुखम्। धन अधिक आकर्षक है, संसार में धन की ही महिमा दिखती है, अतः धन की ओर झुकाव स्वाभाविक है। परंतु इसकी ओर झुका हुआ मनुष्य अंततः इस धन का दास बन जाता है। धन का दास बना और फिर मनुष्य निधन की तरफ बढ़ता है, मृत्यु की तरफ बढ़ता है। अतः हमें उस परम ब्रह्म सच्चे पुरुष परमात्मा का ही वर्णन करना चाहिए, धन का नहीं। परंतु धन के बिना खाना पीना भी संभव नहीं हो पाता। अतः मंत्र का ऋषि कहता है, धन का भी वर्णन करो, परंतु उतने ही धन का वर्णन करो जितना तुम्हारे पोषण के लिए पर्याप्त हो। इतना धन तो हाथ पैर हिलाने वाले को उस परमात्मा की कृपा से प्राप्त ही हो जाता है। अतः मुख्य रूप में उस आदिदेव परमेश्वर का वर्णन ही सर्वश्रेष्ठ है। केवल धन का वर्ण मनुष्य को विलासी बना देता है। हम धन का वर्ण न करके आदि पुरुष अपने परम मित्र परमात्मा का ही वर्ण करें। मंत्र संख्या 9। ऋषि आंगिरसः देवता विद्वान छंद आर्षी पंक्ति स्वर पंचमः। ऋक् सामयोः शिल्पे इस्थस्ते वामारभेते मा पातमास्य यज्ञस्योद्रचः। शर्मासि शर्म मे यच्छ नमस्ते अस्तु मा मा हिंसीह। गृहस्थ में प्रविष्ट पुरुष जो अनासक्त भाव से जीवन बिताता है, वह शक्तिशाली बना रहता है। परमेश्वर परम ब्रह्म इन निर्मल हृदय वाले गृहस्थ पुरुषों से कहता है, तुम विज्ञान और उपासना तथा शिल्प निर्माण करने वाले बनो, तुम्हारा जीवन विज्ञान और उपासना से परिपूर्ण हो। पति पत्नी उस परम ब्रह्म से प्रार्थना करते हैं, वे अपने जीवन में उस परमेश्वर को ग्रहण करें, वरण करें। ती के लिए स्वाध्याय को अपनावें, उपासना के लिए ध्यान को संध्या को अपनावें, जीवन पथ के अंत तक हम ग्रस्त पुरुष इस ज्ञान की रक्षा करने वाले बने। जीवन पथ में वासनाओं से बचकर हम आंगिरस बने। हे परमेश्वर, तू अत्यंत आनंद रूप है, मुझे अपने उपासक को भी तू आनंद प्राप्त करा।
मैं तेरे प्रति नतमस्तक होता हूँ, तू मुझे नष्ट मत करना। भोग विलास में फंसने से बचाकर मुझे नष्ट होने से तू बचा। मंत्र संख्या 10। उर्गस्य अंगिरस्योर्ण मृदा ऊर्जमयि धेहि सोमस्य नीवीरसि विष्णुः शर्मासि शर्मा यजमानस्येन्द्रस्य योनिरसि सुसस्याः कृषीस क्रधि उच्छ यस्व वनस्पतय ओर्धवोम पाहयम हस आस्य यज्ञस्योद्रचः। हे यज्ञ, तू मेरे जीवन में बल और प्राण का संचार करने वाला है। यज्ञ वृत्ति विलास की विरोधनी वृत्ति है और मनुष्य को विलास से ऊपर उठाकर बल और प्राण शक्ति से परिपूर्ण करती है। तू मेरे अंग प्रत्यंग को रसमय कर डालती है। तू मुझे असुरों के आक्रमण से सुरक्षित करने वाली है और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं को कुचल डालने वाले है। तो मुझे बल और वीर्य प्रदान करने वाली है। हे यज्ञ, तू सोम की ग्रंथि सोम शक्ति को शरीर में सुरक्षित रखने वाली है। यज्ञ की भावना के साथ विलास की भावनाएं रहती ही नहीं। यज्ञ की भावना शरीर में इन सोम कणों के बंधन का कारण बनती है। तू उस व्यापक परमात्मा के आनंद को देने वाली है। यज्ञिक पुरुष का स्नेह व्यापक हो जाता है, उसको सब में प्रभु का ही दर्शन होता है और यह उस व्यापक प्रभु की प्राप्ति के आनंद का अनुभव करता है। सोम यानी वीर्य की रक्षा इस सोम अमृत में परमात्मा के दर्शन का कारण बनती है। यजमान के सुख का हेतु यह यज्ञ परमात्मा का केंद्र है, अर्थात इन यज्ञों में ही परम ब्रह्म का दर्शन होता है। यह यज्ञ जहां प्रभु दर्शन कराने वाला होता है, वहां उत्तम अन्न वाली खेतियों को कराता है। घृत और औषध द्रव्य होने वाली वर्षा की बूंदों के कण बनते हैं। एक एक कण के केंद्र में घृत होता है। हे यज्ञ, मेरे जीवन में उन्नत स्थान में तो स्थित हो, मुझे पापों और कष्टों से बचा। जीवन के अंत तक मेरा जीवन यज्ञ में बना रहे। मेरे जीवन में यज्ञ को सर्वप्रथम स्थान प्राप्त हो। यज्ञिक भावना आसुरी भावनाओं को नष्ट करके हमारे जीवन को शक्तिशाली बनाती है। सोम कणों की रक्षा के द्वारा प्रभु प्राप्ति के योग्य बनाती है। हमारी खेतियों को उत्तम अन्न वाला भी ये यज्ञ ही बनाते हैं। मंत्र संख्या 11। व्रतम कृणुत व्रतम कृणुत अग्निर ब्रह्माग्नि अर्यज्ञो वनस्पतिर्यज्ञः दैवीम धियम मनामहे
सुमरडी काम भिष्टये वर्चोधाम यज्ञ वाहसम सुतीर्थ नो अस्द्वशे ये देवा मनोजाता मनोयुजो दक्षकृतवस्ते नोवन्तु ते नः पान्तु तेभ्यः स्वाहा। हे मनुष्यों, तुम यज्ञ करने का व्रत ग्रहण करो, वह परमात्मा तुम्हें आगे बढ़ाने वाला है। परमेश्वर की उपासना के द्वारा मनुष्य की उन्नति होती है। हमारी उन्नति का कारण परम ब्रह्म की आराधना ब्रह्म यज्ञ है। अग्नि के अंदर घृत आदि पदार्थों की आहुति देना देव यज्ञ है। इन यज्ञों की वृत्ति को अपने अंदर जगाने के लिए यह आवश्यक है कि हम ध्यान रखें। वनस्पति ही यज्ञ के योग्य बनाने वाली है। सात्विक भोजन करने वाला व्यक्ति शुद्ध बुद्धि को प्राप्त होता है। यह है शुद्ध बुद्धि, उत्तम सुखों को देने वाली है। यह सब इष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। यह हमें अपवित्र भोग मार्गों से बचाती है। हमारे भीतर वर्चस्व और शक्ति का स्थापन करती है। यज्ञ करने वाला पुरुष स्वयं को विकसित करता है और ज्ञान के द्वारा दूसरों को भी विकसित करता है। शरीर व आत्मा के बल प्रज्ञा और यज्ञ से युक्त होकर हम देवता बनते हैं। हम यज्ञ का व्रत धारण करें। यह दिव्य बुद्धि हमें भवसागर से तराएगी। देवता हमें शरीर के रोगों से बचाते हैं तो मानस मलों को भी दूर करते हैं। मंत्र संख्या 12, श्वात्राह पीता भवत यूयमापो अस्माकमंत रुद्रे सुषेवाह ता अस्मभ्यं यक्षम अनमीव अनागसह स्वदन्तु देवीर मृत ऋतावृधः। शरीर में अगर रोग ना हो तो मन में भी क्रोध आदि नहीं होता। इस सारे कार्य में जलों का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः हे जलों, तुम ही शरीर की रक्षा और वृद्धि का कारण होते हो। हमारे उदर के भीतर पंचभौतिक शरीर में पांचों भूतों की अनुकूलता को बनाए रखते हो। जल और वायु का महत्व स्पष्ट है। यह जल शुद्ध होकर, यह वायु शुद्ध होकर रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। हमारे चित्त को शांत करके हमें पाप से शून्य बनाते हैं। जल का सही सही प्रयोग हमें शांत मन वाला बनाता है। ये हमें मृत्यु से बचाने वाला, हमारे अंदर रित का वर्धन करने वाला, हमारे मन को पवित्र करने वाला, ईश्वरीय ज्योति को जगाने वाला होता है। मंत्र संख्या 13, इयं ते यज्ञया तनुरपो मुंचामि
न प्रजाम अम्हो मुचः स्वाहा कृतः पृथ्वीमा विशत पृथिव्य संभव अंगिरस ऋषि। इस ऋषि से वो परमात्मा कहता है, तेरा ये शरीर ही यज्ञ रूप है, इसे अपवित्र ना कर, भोग वासनाओं से इसे अपवित्र ना कर, तो निश्चय कर कि मैं शरीर से मलों को दूर करने वाले जलों को लघु शंका द्वारा छोड़ता हूं। तू अपने वीर्य का नाश ना कर, ये वीर्य कण सब प्रकार के पापों और कष्टों से बचाने वाले हैं। इन वीर्य कणों के सुरक्षित होने पर ना तो पाप वृद्धि होती है और न रोगों की वृद्धि होती है। इनकी रक्षा से ही यज्ञ में, ईश्वरीय कार्य में, सत्कर्मों में, पुण्य कर्मों में मनुष्य प्रवृत्त होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य के द्वारा इन सोम कणों की, वीर्य कणों की तो रक्षा कर। ये सोम कण शरीर में व्याप्त होकर मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रोगों से बचाते हैं और ये ही उत्तम वीर्य कण उत्तम संतान को जन्म देने का कारण बनते हैं। मंत्र संख्या 14, अग्ने त्वं सु जाग्रही वयम् सु मंदिशी महि रक्षाणो अप्रयुच्छन प्रबुद्धे नह पुनस्क्रधि। यह अंगिरस ऋषि अपने निश्चय को दिन में संकल्प बल और प्रयत्न से कार्य रूप में ले आता है, रात्रि में भी वह अपनी शक्ति की रक्षा करता है और इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करता है। हमारी सभी उन्नति के साधक परम ब्रह्म परमेश्वर हमारे भीतर तू जागृत रहे, हमारे शरीर के भीतर दिन भर के श्रम के बाद जब हम आनंद पूर्वक सोते हैं, निद्रा में भी तू हमारे भीतर जागृत रहता है। हे परमेश्वर, सब प्रकार के आलस और प्रमाद से मैं रहित रहूं, तू हमारी रक्षा करे, प्रमाद में निद्रा में भी हमारी शक्ति नष्ट ना हो। निद्रा की समाप्ति पर जागृत होकर पुनः हम तेरा ही चिंतन, स्मरण और अपने भीतर ज्ञान दृष्टि से तेरा ही दर्शन करें। रात्रि में हम परमेश्वर का स्मरण करें, स्वप्न में भी हमें प्रभु दर्शन ही हो। हम दिन को ज्ञान प्राप्ति में नियुक्त करें और हमारी रात्रि भी उस परम ब्रह्म के सुमरण और स्वप्नों से ही सुसज्जित हो। मंत्र संख्या 15, पुनर्मनः पुनरायुर म आगन पुनः प्राणः पुनरात्मा म आगन पुनश्चक्षुः पुनः श्रोत्रम म आगन वैश्वानरो अदब्ध इस्तनुप अग्निरनः प
पातु दुरिता दवध्यात। हे परमेश्वर, रात्रि में हम तेरे ध्यान में ही शयन करें और प्रातःकाल आनंद पूर्वक जाग कर तेरे ही ध्यान में उठें। मेरा मन बार बार तेरे ज्ञान में रमण करे, तेरे विज्ञान को प्राप्त करे, फिर फिर के मेरा प्राण तेरी दिव्य शक्ति से परिपूर्ण हो, फिर से मुझे आत्मा में हे अंतर्यामी परमात्मा तू ही तू प्राप्त होता रहे, मुझे नेत्रों में, दृष्टि में, सकल जगत में तेरा ही दर्शन हो, मेरी श्रवण शक्ति में तेरी ही आवाजें मुझे सुनाई दें, मेरी सब इंद्रियां ठीक ठीक कार्य करने वाली बने, मेरे शरीर में जठराग्नि पाचन शक्ति ठीक प्रकार से स्थित हो, जठराग्नि के ठीक होने पर शरीर में रोग नहीं आते और मन में खीज क्रोध आदि भी उत्पन्न नहीं होते, मंद अग्नि वाला पुरुष मंद प्रेम वाला व तीव्र द्वेष और क्रोध वाला होता है, इस प्रकार यह वैश्वानर अग्नि हमें शरीर और मन दोनों दृष्टिकोण से स्वस्थ बनाती है। उस परम ब्रह्म को भी वैश्वानर कहा गया है। परमेश्वर का स्मरण हमें दुरितों से, पाप और बुराई से बचाने वाला है। अंगिरस ऋषि प्रतिदिन जीवन को सुंदर बनाने का संकल्प करता है। प्रतिदिन का नया निश्चय दुरितों और पापों में फंसने से बचाने वाला होता है। यह अपनी वैश्वान अग्नि को ठीक रखता है और शरीर तथा मन के स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। मंत्र संख्या 16 ऋषि वत्स देवताग्नि छंद भुरीगारषि पंक्ति स्वर पंचमः त्वमग्ने व्रतपा असि देव आ मर्तयेष्व त्वं यज्ञेष्वीडियः रास्वेयत सोमा भूयो भर देवो नः सविता वसुरदात वस्वदात। यह वत्स अपने व्रतों का पालन करता है, परंतु उन व्रतों के पालन की सफलता का गर्व नहीं करता। वह कहता है, हे ज्योतिर्मान परमेश्वर, तू ही मेरे व्रतों का पालन कराने वाला है, मेरी शक्ति से इन व्रतों का पूरा होना संभव नहीं। चारों ओर मनुष्य जीवन में सांसारिक और आध्यात्मिक वेद ज्ञान द्वारा तू मेरे अंदर प्रकाश करता है। इन प्रकाश को प्राप्त करके मनुष्य शतशः पुण्य कर्मों का करने वाला होता है, परंतु उन पुण्य कर्मों में, यज्ञों में भी तो तू ही स्तुति के योग्य है। हे परमेश्वर, हमें इतना धन दे कि हम इन यज्ञों को और परोपकार के कार्यों को अच्छी प्रकार करने में समर्थ हों।
हे ऐश्वर्य प्रदान करने वाले परम ब्रह्म, अधिक धन भी सब ओर से दे, उन अधिक धनों से ही तो हम विविध यज्ञों को कर सकेंगे। इस धन से हम जगत का कल्याण कर पाएंगे और तेरे प्रिय बनेंगे। हमारे सब व्रतों, पुण्य कर्मों और यज्ञों को सफल करने वाले हे प्रभु, तू हमें हमारे सत संकल्पों को पूरा करने की शक्ति प्रदान कर। मंत्र संख्या 17, एषा ते शुक्र तनुरे तद्व वर्चस्तया संभव ब्राजंगच्छ जूरसी धृता मनसा जुष्ट विष्णवे। परमेश्वर कहता है, हे पवित्र मन वाले, हे साधक, तुझे यह शरीर इसलिए दिया गया है कि इसमें दिव्य शक्तियों का तू जागरण करे। यह शक्ति सोम वीर्य शक्ति तुझे दी गई है। इस शक्ति से तू उत्तम संतानों को जन्म दे, ज्ञान दीप्ति को प्राप्त करना इस सोम शक्ति का मुख्य प्रयोजन है। संतान निर्माण और ज्ञान अग्नि का दीपन और बुद्धि को तीव्र करना इस सोम संचय का प्रमुख उद्देश्य है। तू इस फूर्ति के साथ सब कार्यों को करने वाला बन। तूने उस समय पर उस कार्यभार के जुए को मन से धारण किया है। तूने कर्तव्य समझकर उन सब कर्मों को किया है। तुझे ये सत्कर्म बोझ रूप ना लगे। तूने इस कार्यभार का व्यापक उन्नति के लिए ही सेवन किया है। कर्तव्य बुद्धि से इन नियत श्रेष्ठतम कर्मों को करने से तेरा शरीर, मन, बुद्धि सभी उन्नत हुए हैं, सभी सबल बने हैं। वस्तुतः शरीर में वर्चस्व की रक्षा करने पर ये परिणाम स्वाभाविक है कि मनुष्य स्वस्थ शरीर हो, निर्मल मन वाला बने और तीव्र बुद्धि वाला हो। हम वीर्य की रक्षा के द्वारा विविध प्रकार की उन्नति करें और इस प्रकार व्यापक उन्न बने। विष्णु बनकर ही हम उस परम ब्रह्म, जिस परमात्मा को विष्णु कहा जाता है, उसको प्राप्त कर पाएंगे। मंत्र संख्या 18, तस्यास्ते सत्य सवसह प्रसवे तनवो यंत्रमशीय स्व शुक्रमसि चंद्रमस्य अमृतमसि वैश्वदेवमसि। यह साधक वत्स उस परम ब्रह्म परमेश्वर की प्रेरणा को सुनकर कहता है, हे सत्य प्रेरणा देने वाले, तेरी आज्ञा में मैं अपने शरीर को नियंत्रित करता हूं। वस्तुतः यह कितनी सुंदर बात कही गई है, हम ईश्वर के आदेश के अनुसार चलें, अपने इस शरीर को पूर्ण रूप से अपने वश में रखें। हमारी हर एक क्रिया नियंत्रित और नपितुली हो। हमारा खाना पीना, सोना जागना सभी नियमबद्ध हो।
वत्स की इस प्रार्थना पर वह परमेश्वर कहता है, ऐसा करने पर वेदवाणी के अनुकूल नियंत्रित जीवन बिताने पर तू शुक्र होता है, दीप्त ज्ञान वाला, पवित्र दीप्ति वाला, पवित्र मन वाला, क्रियाशील जीवन वाला तू बनता है। इस प्रकार का जीवन बनाकर तू इस सुख दुख आदि द्वंद्वात्मक संसार में सदा आह्लाद में जीवन बिताने वाला होता है। तू दुखों और विघ्नों से खीजे नहीं, तू सदा प्रसन्न मनोवृत्ति वाला होकर असमय में ही रोगों से मरे नहीं। तू दीर्घ जीवन वाला बनकर, तू दीर्घ जीवन वाला बनकर सब दिव्य गुणों को लिए हुए हितकर जीवन वाला होता है। तेरा जीवन सब दिव्य गुणों से परिपूर्ण होवे, तू ब्रह्मचर्य का पालन करके शुक्र यानी वीर्यवान बनता है। तू गृहस्थ को चंद्र यानी सदा आह्लादमय रहने का प्रयत्न करना चाहिए। वानप्रस्थ ने किन्हीं भी विषयों का अमृत बनना है और सन्यासी ने सब दिव्य गुणों वाला वैश्वदेव बन जाना है। वैश्वदेव बनकर ही यह महादेव उस परम ब्रह्म आदि पुरुष को प्राप्त होता है। मंत्र संख्या 19। चिदसि मनासि धीरसि दक्षिणासि क्षत्रियासि यज्ञयस्य दिति रस्युभयतः शेषणे सानः सुप्राचि सुप्रतिच्येधि मित्रस्त्वा पदे बदनीताम पूषा अध्वन इस्पातवेन्द्राया अध्यक्षाय। हे परमेश्वर, तेरी आज्ञा में मैं अपने जीवन को, शरीर को, मन को, बुद्धि को नियमित करता हूँ, नियमबद्ध करता हूँ। यह वेदवाणी मनुष्यों को समझदार बनाती है, बुद्धि और कर्मों को पवित्र बनाती है, स्वाध्यायशील लोगों को यह वाणी उनकी बुद्धि को प्रकाशमान बनाकर उनके कर्तव्यों का उपदेश देती है। यह वाणी लोगों को कर्मों में दक्ष बनाने वाली है, गिरावट और नष्ट होने से बचाने वाली है। यह वाणी आत्माओं को कर्म बंधन में फंसने नहीं देती। यह वाणी मनुष्य को कर्म बंधन से निकालती है, उसको परम ब्रह्म में दृढ़ बनाकर असुरों के आक्रमण से सुरक्षित रखती है। इस वाणी का स्वाध्याय करने वाला साधक आसुरी वृत्तियों का शिकार नहीं होता। यह वाणी मनुष्य को उच्चता में ले जाती है, भोग विलासों का शिकार नहीं होने देती। इस प्रकार यह जीव को अखंडित रखती है। हम वेदवाणी के अनुसार अपना जीवन पथ बनाएं। यह सुंदर पथ हमें उस आदि पुरुष परम ब्रह्म की तरफ ले चलेगा। मंत्र संख्या 20। अनुत्वा माता मन्यता मनो पिता अनु भ्राता सगभर्यो अनु सख सयोथ्यः
सा देवी देवम् अच्छे हि इन्द्राय सोमं रुद्रस्त्वा वर्तयतु स्वस्ति सोम सख पुनरेहि। जब विद्यार्थी आचार्य कुलम में जाता है तब कहीं माता पिता आदि का मोह उसके मार्ग में बाधक ना हो जाए। वेदवाणी के अध्ययन के लिए जाते हुए माता इस पुत्र को अनुमति दे, पिता भी अनुमति दे, सहोदर भाई अनुकूल मति दे, समान यूथ में रहने वाला एक ही समुदाय में रहने वाले साथी भी वेद अध्ययन के लिए उसे जाने की स्वीकृति दें, सारा वातावरण उसके अनुकूल हो। सबकी अनुमति से आचार्य कुलम में जाकर यह वेद अध्ययन करता है और वेदवाणी को संबोधित करके कहता है, हे ज्ञान का प्रकाश देने वाली वेदवाणी, तू उस परम ब्रह्म परमेश्वर की तरफ हमें ले चल। तेरा ज्ञान प्रकाश हमें उस परम ब्रह्म का दर्शन और ज्ञान प्रदान करने वाला बने। इस परम ऐश्वर्यशाली परमात्मा की प्राप्ति के लिए सोम को वीर्य शक्ति को हमें प्राप्त करा, क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन के बिना हम इस वेदवाणी को भी नहीं समझ पाएंगे। ज्ञान अग्नि का ईंधन यह सोम ही है, ब्रह्मचर्य पालन ही है। वेदवाणी का उपदेश देने वाले हे आचार्य, तू हमें दिव्य ज्ञान में स्थित कर, जिससे हमारा जीवन उत्तम बने। यह सोम यह वीर्य शक्ति हमारी मित्र बने, जिससे हम अपने घर ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकें। मंत्र संख्या 21, वस्व्यस्सदिति रस्या दित्यासि रुद्रासि चंद्रासि बृहस्पतिस्त्वष्टा सोमने रमणातु रुद्रो वसुभिराचके। विद्यार्थियों को आचार्य वेद ज्ञान देता है। वेद ज्ञान को प्राप्त करके विद्यार्थी अनुभव करता है और कहता है, हे वेदवाणी, तू उत्तम निवास देने वाली है, जीवन के लिए सब उत्तम साधनों का प्रतिपादन करके तू हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाती है, तू हमारा खंडन नहीं होने देती, तू हमारे स्वास्थ्य की साधिका है। हे वेदवाणी, तेरे अध्ययन से हमारे भीतर गुणों को ग्रहण करने की वृत्ति प्रबल होती है। तू संसार के सब पदार्थों का ज्ञान देने वाली है, सब सत्य विद्याओं की खान है। तू हमारी मनोवृत्ति को आनंदमय बनाती है। तेरे अध्ययन से मन निर्मल और द्वेष से शून्य हो जाता है। उस परम ब्रह्म परमेश्वर के इस तवन में निरंतर रमण करने वाला हमारा मन बन जाता है। वेदवाणियों के द्वारा परमेश्वर के इस तवन में दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। आचार्य और शिष्य दोनों ही इस वेदवाणी में आनंद का अनुभव करते हैं। मंत्र संख्या 22, अदित्यास्त्वा मूर्धन्ना जिघमेर देवयजने पृथ्विया इडायास्पद मसे घृतवत स्वाहा अस्मे
रसमास में ते, बंधुस्त्वे रायो में रायो, मा वयम राय इस पोषेण व्योस्म तो राय। आचार्य विद्यार्थी को वेद ज्ञान देकर कहता है, इस अखंडन की कारणभूत वेदवाणी के शिखर पर सब प्रकार से मैं तुझे दीप्त करता हूँ, अर्थात तुझे उच्च वेद ज्ञान प्राप्त करता हूँ। इस पृथ्वी के देवताओं से किए जाने वाले यज्ञों में तुझे दीप्त करता हूँ। तू जहाँ ज्ञान से चमकता है वहाँ यज्ञों के द्वारा विख्यात होता है। वेदवाणी का तो आधार और आश्रय है, वेदवाणी तुझ में स्थित हुई है, इसलिए तेरे भीतर अज्ञान मल और अंधकार नष्ट हुआ है, तू ज्ञान की दीप्ति वाला बना है, तेरी चारों ओर प्रशंसा ही प्रशंसा है। हमारी यह प्रार्थना है कि सारा जगत तुझसे प्रसन्न हो, तुझे अपना मित्र समझे, सब संपदाएं तुझे प्राप्त हों। अपने को कभी अकर्मण्य ना बनाना, सत्कर्म ही मनुष्य का वर्धन करते हैं। हम वेद ज्ञान के शिखर पर पहुंचे, साथ ही यज्ञशील भी बने। हम धन कमाएं, परंतु वह धन हमारी गिरावट का कारण ना बने। मंत्र संख्या 23, समख्ये देव्या धियासम दक्षिण योरुच अक्षसा मा मायुः प्रमोशीर्मो अहम् तव वीरम विदेय तव देवी संद्रशि। आचार्य कहता है, मैं इस वेदवाणी का दर्शन करता हूँ, प्रकाश में बुद्धि के दृष्टिकोण से इस वेदवाणी को पढ़ता हूँ। इसमें हे साधक तेरी बुद्धि प्रकाशमान हो, तेरा ज्ञान उज्ज्वल हो, कुशलता पूर्वक तू कर्म कर, जगत में बंधनशील न होना, संकीर्णता में न पड़ना। हे शिष्य तू अपने आचार्य के गुणों को कभी भी अपनी आंखों से ओझल मत होने देना, तू त्यागी और तपस्वी बने, शत्रुओं से कभी कंपित ना होना, ज्ञान तेरी रक्षा करे। मंत्र संख्या 24, एष्टे गायत्रो भागा इति मेसोमाय ब्रूतादेशते त्रष्टुभो भाग इति मेसोमाय ब्रूतादेशते जागतो भागा इति मेसोमाय ब्रूताश्च छंदो नामाना ग्वंग साम्राज्य गंग क्षेति में सोमाय ब्रूता दासमा को असि शुक्रस्ते ग्रहयो विचितस्त्वा विचनवंतो। विद्यार्थी आचार्य से कहता है, हे आचार्य तुम्हारे द्वारा गायत्री आदि छंदों का मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया है, उन्हें अपने जीवन का भाग बनाया है, इस कारण मुझ सौम्य स्वभाव वाले के लिए इस ज्ञान का उपदेश कीजिए। यह आपका त्रिष्टुप छंद संबंधी ये मंत्र प्रकृति जीव और परमात्मा मैंने तीनों का स्तवन किया है, अर्थात तीनों का ही ज्ञान प्राप्त किया है,
इन तीनों का ज्ञान प्राप्त करके आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक तीनों ही कष्टों को समाप्त किया है। काम, क्रोध, लोभ इन तीनों शत्रुओं को अंदर घुसने से रोका है। ये मंत्र मेरे जीवन का भाग बन गए हैं। मुझ सौम्य के लिए हे आचार्य इन मंत्रों का उपदेश कीजिए। आचार्य ज्ञानी हो, विद्यार्थी का भला चाहे, विद्यार्थी विनम्र और सौम्य हो, उसमें ज्ञान प्राप्ति की प्रबल कामना हो, ज्ञान पुष्पों का चयन ही उसका मुख्य ध्येय होना चाहिए। मंत्र संख्या 25, अभित्यम देवम सवितार मोण्योः कविक्रतुम मर्चास्मि सत्यसवम रत्न धामभिप्रियं मतिम कविम ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा अदिद्यु तत्सवि मनि हिरण्यपाणिर मिमीत सुक्रतुः कृपास्वः प्रजाभ्यस्त्वा अनुप्राणन्तु प्रजास्त्वम् अनुप्राणा अनुप्राणिहि। मैं सब प्रकार से उस परम ब्रह्म की ओर जाता हूँ। ध्यावा पृथ्वी के इस सुंदर रूप को अपने में धारण करता हूँ। ज्ञानियों के निर्माता इस प्रभु का पूजन करता हूँ। एक एक पिंड में उस परम ब्रह्म परमात्मा की प्रज्ञा का प्रकाश हो रहा है। इस संसार का निर्माण उस परम ब्रह्म की सर्वज्ञता का प्रमाण है। हम में उत्तमोत्तम रत्न, मणि, रुधिर आदि धातुओं का धारण कराने वाला है। सबके प्रति प्रेम रखने वाला है, सर्वज्ञ है। हम ज्ञान प्राप्ति द्वारा उस सनातन ब्रह्म परमात्मा की आराधना करें। मंत्र संख्या 26, शुक्रम त्वा शुक्रेण क्रीणामि चंद्रम चंद्रेण अमृतम मृतेन सगमेत गोरस्मेते चंद्राणि तपस्तनोरसि प्रजापते वर्णः परमेण पशुना क्रियसे सहस्त्रपोषम पुषेयम। हे परमेश्वर, ज्ञान दीप्ति से दीप्त हुआ मैं तेरी तरफ को आता हूँ। चंद्रमा की तरह अपने आप को आह्लादित करता हुआ, अमृत से भरा हुआ मैं निरोगता को प्राप्त करता हूँ। वस्तुतः परम ब्रह्म की आराधना ये ही है कि हम उस परमेश्वर के गुण जैसे बने। जैसा वो है वैसी ही हमारी आत्मा हो। वह आनंदमय है, हम भी आनंदमय बने। अपने मस्तिष्क को ज्ञान से दीप्त करके, शुक्र बने मन को रहित करके, चंद्रमा जैसे शीतल और अमृतमय बने। शुक्र, चंद्र और अमृत ये तीनों गुण हमारे भीतर पुष्पित हों। देवों की पूजा गुणों की पूजा है। गुणों को धारण करना ही देवों की पूजा कहा जाता है। जो यजमान बनता है उसको देव पूजा करनी चाहिए, यानी उसको वीर्यवान, शांत और आनंदित गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। हे परम ब्रह्म, हे असीम,
तू मेरे जरा से शरीर में बद्ध तप है, इस तप के कारण तू मुझे उच्च स्थान में स्थित करता है। तू अक्षरशः प्रजापति है। शुक्र बनो, मैं चंद्र बनो, मैं अमृत बनो, मैं तपस्वी बनकर लोक का हित करने वाला बनो। मंत्र संख्या 27। मित्रो न एहि सुमित्रध इंद्र स्योरो मा विष दक्षिणमुशन्नो शन्तम गंग स्योनः स्योनम स्वान ब्राजंगरे बंभारे हस्त सुहस्त कृशानवेते वह सोम क्रियणास्तान्र अक्षवध्वम माव दभन। उपासक उस परमात्मा से कहता है, हे मुझे स्नेह करने वाले, मुझे धारण करने वाले परमात्मा, मुझे सब पापों से तू बचाता है, तू मेरी आत्मा में प्रविष्ट हो। जिस मनुष्य के हृदय में पाप होता है, संसार की आसक्ति होती है, वो ही संसार के पापों में जाके गिरता है। हे परमेश्वर, तू सबका भला करने वाला है, सुख स्वरूप है। मनुष्य के हृदय के अंतरिक्ष में तू उत्साह से परिपूर्ण है, आनंदमय है। जो साधक विषादों से ऊपर उठ चुके, उनके हृदय में तू प्रवेश कर। हम उत्तम प्राण शक्ति वाले बने, दीप्त ज्ञान वाले बने, पापों को नष्ट करने वाले बने, प्रसन्न मन वाले, सिद्ध हस्त और निर्बलों को उत्साहित करने वाले बने और दुष्टों को क्रश करने वाले बने। मंत्र संख्या 28। परिमाग्ने दुश्चरितार बाधस्वामा सुचरिते भज उदायुष स्वायुषोद स्थाम मृताम अनु। परमेश्वर अपनी आराधना करने वाले साधक से कहता है, परम ब्रह्म परमेश्वर की आराधना करने वाला यह साधक परमेश्वर से कहता है, मेरे संपूर्ण पापों का दहन करने वाले प्रभु, तू अग्नि रूप है। अग्नि में पड़कर जैसे सब मल भस्म हो जाने से सोना शुद्ध होकर चमक उठता है, इसी प्रकार तुझ में पड़कर मैं निष्पाप बनकर चमक सकूं। सब दुराचारों और दुर्प्रवृत्तियों को मैं रोक सकूं। हे प्रभु, बुराइयों को मुझसे दूर कर, मुझे उत्तम चरित्र का भागी बना। तेरी कृपा से मैं उत्तम बातों का सेवन करने वाला बनूं। दुराचार, व्यभिचार, बुराइयां मेरे जीवन से अलग रहें। मंत्र संख्या 29। प्रतिपंथाम पद्य ही स्वस्ति गामने है सम येन विश्वाह परिद्विशो व्रणक्ते विन्दते वसु। हे परमेश्वर, मैं सदा सन्मार्ग पर चलूं, तेरे मार्ग से मेरे पैर कभी ना भटकें। स्तुति निंदा लाभ हानि जीवन मरण हमें सत्य मार्ग से न भटकावे। हम उस मार्ग को प्राप्त करें जो कल्याण की तरफ जाता है।
जो पापों से शून्य है। पापों का मार्ग थोड़ी देर के लिए चमकदार है, फिर वह अंधकार में हो जाता है। द्वेष से शरीर में विष पैदा हो जाते हैं। द्वेष मन को सदा मलिन बनाए रहता है। द्वेष के कारण मनुष्य के भीतर उल्लास और प्रसाद गुण का अभाव हो जाता है। हम निर्द्वेषता और प्रेम के कल्याण कर पाप शून्य मार्ग पर चलने वाले बने। मंत्र संख्या 30, आदित्य इस्तव गस्य आदित्य सद आसीद अस्तभनाद ध्याम वृषभो अंतरिक्षम मिमीत वरिमाण मपृथ्वियः आसीद द्विश्व भुवनानि सम्राट विश्वेत्तानि वरुणस्य व्रतानि। परमेश्वर सत्य के मार्ग पर चलने वाले से कहता है, तू दिव्य गुणों को धारण करने वाला बन। तुझको ज्ञान ने प्रेरित किया है। तेरा मन वासनाओं से दूषित ना हो। तू दिव्य ज्ञान की ज्योति से ज्योतिर्मान हो। तू पुरुषों में श्रेष्ठ बन। हृदय अंतरिक्ष को थाम। इस पृथ्वी रूप शरीर की विशालता को निर्मित कर। मंत्र संख्या 31, वनेशो व्यंतरिक्षम ततानवाजम वत्सो पय उस्त्रियासु हृत्सु क्रतुम वरुणो विक्षुव अग्निम दिवि सूर्यम दधार सोम मद्रव। हे परमेश्वर, तेरी करुणा के सामने ये वन, ये अंतरिक्ष, ये क्षितिज सब छोटे पड़ जाते हैं। नदियों के किनारे वनों में हे परम ब्रह्म, तेरी आराधना करने वाले लोग तेरे अनंत स्वरूप को देखते हैं। हमें अपने हृदय में कर्म संकल्प धारण करने चाहिए। संकल्प से शून्य हृदय ऐसा है जैसे संरिक्ष वाला वन, शक्ति शून्य घोड़ा, दूध रहित गाय, यज्ञ अग्नि से रहित ग्रस्त, सूर्य शून्य द्युलोक और औषधियों से शून्य पर्वत। मंत्र संख्या 32, सूर्यस्य चक्षुरारोहग्ने रक्षणः कनीनकम यत्रैत शेभिरीयसे ब्राजमानो विपश्चिता। परमेश्वर सूर्य आदि सब देवों का प्रकाशक है। ये सूर्य परमात्मा के नेत्र जैसा है। हम भी प्रकाशित आत्मा बनकर उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की तरफ पहुंचने का प्रयत्न करें। सूर्य आदि पिंडों में उस प्रभु की ही महिमा को देखने वाले बने। तेन देवा देवतामग्र आयन, उस प्रभु से ही ये सब देवगण देवत्व को प्राप्त करते हैं। मैं भी हे परम ब्रह्म तेरे संपर्क में आकर देवता बनूं। मंत्र संख्या 33, उस्त्रवेतम धूर्षाहौ युज्येथा मन श्रु अविरहण ब्रह्मचोदनौ स्वस्ति यजमानस्य ग्रहान गच्छतम। उस परमेश्वर की आराधना करने वाले पति पत्नी
कैसे बनते हैं? विज्ञान रश्मियों वाले होते हैं, स्वाध्याय से प्रकाशमान रहते हैं, ग्रस्त के बोझ को उठाने में समर्थ होते हैं, परमेश्वर की आराधना इनको शक्ति प्रदान करती है, जिससे ये ग्रस्त के कार्यभार को सुंदरता से वहन करने वाले होते हैं, घर को स्वर्ग बनाते हैं। विघ्न आने पर ये रोने धोने नहीं बैठ जाते, बल्कि धैर्य और उत्साह को बनाए रखते हैं। मंत्र संख्या 34, भद्रों में असि प्रत्यवस्व भुवस्पते विश्वान्यभि धामानि मात्वा परिपरणो विदन्मात्वा परिपंथिनो विदन्मात्वा व्रक अघायवो विदन श्येनो भूत्वा परापत यजमानस्य ग्रहान गच्छ तन्नौ संस्कृतम पति पत्नी उस परम ब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, तू हमारा कल्याण करने वाला है, लौकिक और अलौकिक सुख देने वाला है, तू सभी का रक्षक और स्वामी है। हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश हो, इधर उधर घूमकर लूटने वाले चोर उचक्के लोग हमारे सत्कार्यों में विघ्न न डालें। मेरा हृदय शुद्ध बने, मेरा जीवन संस्कृत युक्त हो। हे प्रभु, हमारे भीतर ज्ञान दीप्तियां वृद्धि को प्राप्त होती रहें। मंत्र संख्या 35, नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महुदेवाय तद्रतम सर्पयत दूरे दृशे देवजाताय केतवे दिवसपुत्राय सूर्याय शम सत। दिन में सूर्य को प्रकाशित करने वाले और रात्रि में चंद्रमा को प्रकाशित करने वाले हे परम ब्रह्म परमेश्वर, तुझे नमस्कार है। देवों के देव महादेव, तुझको नमस्कार है। हम सत्य का पालन करते हुए, देवगणों के व्रतों को धारण करते हुए, अपने आप को तप से पवित्र करते हुए तेरी समीपता को प्राप्त करें। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम विनम्र बने, रित का पालन करें, सत्य का और धर्म का आचरण करें। हमारा ध्येय उत्तम गुणों को प्राप्त करना हो। मंत्र संख्या 36, वरुणस्य उत्तम भनमसि वरुणस्य स्कंभ सर्जनेस्थो वरुणस्य ऋत सदन यसि वरुणस्य ऋत सदन नमसि वरुणस्य ऋत सदन नमासीद। ईश्वर कहता है, तू अपने जीवन में पवित्रता को, ईश्वर आराधना को सर्वोपरि स्थान दे। तुम दोनों पति पत्नी जीवन में धर्म आचरण और सत्य का पालन करने वाले बनो। ऋतम तपः, यह ऋत ही सर्वप्रथम तप है। सब कार्यों को ठीक ठीक करने वाले बनो। हमारे जीवन का सर्वोपरि आधार परम ब्रह्म परमात्मा ही है। उस परमेश्वर से प्रतिपादित रित का पालन करने वाले हम बने, उत्तम कर्म करने वाले हम बने, जिससे हमारे दुखों का विनाश हो। मंत्र संख्या 37, याते धामानि हविषा यजन्ति त
ताते विश्व परिभूरस्तु यज्ञं गयसुफानः प्रतरणः सुवीरो वीरः प्रचरा सोम दुर्यान। अपने इंद्रियों को वश में करने वाला साधक गौतम कहलाता है। यह गौतम परमेश्वर से कहता है, हे प्रभु, तेरी ज्ञान दीप्ति, तेरी शक्ति, तेरा दिया हुआ दिव्य ज्ञान मेरे जीवन को उच्चता में ले जावे, मुझे श्रेष्ठतम कर्म करने वाला बनावे। तेरी दीप्ति और ज्ञान से प्रकाशित होकर मैं तेरी निकटता को प्राप्त करूं, जगत में वीर पुरुष बनूं, सोम का संचय करने वाला बनूं, जीवन में कभी मेरी पराजय ना हो। उत्तम कर्मों के द्वारा हे परमेश्वर मैं तेरे दिव्य मोक्ष धाम को प्राप्त करूं, जगत में पुण्य कर्म सत्कर्म सदा मेरी रक्षा करें। इति चतुर्थो अध्यायः संपूर्णः। चौथा अध्याय यजुर्वेद का संपूर्ण होता है। ओम शांति 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 ही। इक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।